हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। दोस्तों, अगर आपने भी इस कंपनी के शेयर ले रखे हैं या इसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो भूलकर भी इसको बेचने की कोशिश मत करना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो दोस्तों, इसके टारगेट क्या है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इसको भूल कर भी मत बेचना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला दोस्तों। क्योंकि इसके फंडामेंटल्स कुछ इस तरीके के जा रहे हैं कि आगे कंपनी बहुत ही बढ़िया काम का इसका देखने को मिल सकता है। देख लीजिए तुनी टेक्सटाइल्स ये किस तरीके का काम करती, देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रे फैब्रिक्स, कॉटन्स एंड कॉटन मिक्सर्स। तो इसका काम बहुत ही बढ़िया, भविष्य में बहुत आगे जाने वाला है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 24 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। वो इसके करंट प्राइस 1.86 रुपये चल रही है, 44 पैसे का स्टॉक हुआ करता था, 2.58 रुपये का इसने हाई मारा है। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, ROC और ROE आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसके शेयर ले रखे हैं तो आपको भूल कर भी नहीं बेचना, क्योंकि इसके टारगेट बहुत आगे जाने वाला। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट आप देखते हैं तो दोस्तों देख लीजिए, कंपनी 255 रुपये इसका शेयर का प्राइस हुआ करता था फ्रेंड्स, लेकिन ये कंपनी यहाँ से प्रमोटर्स ने जब अपनी होल्डिंग्स यहाँ से घटाई तो ये कंपनी लगातार गिरती गई, कंपनी पर कर्जा हो गया दोस्तों। कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाया और ये कंपनी के शेयर बिल्कुल पेनी शेयर बन करके रह गए। देख सकते हैं आप, एक ही लाइन में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ से आपको हलचल देखने के लिए मिल जाएगी वहीं पर। अगर इसके लास्ट 5 ईयर्स की अगर आप बात करें तो देख लीजिए, लगातार इसमें हलचल देखने के लिए मिल रही है फ्रेंड्स। और पिछले 3 साल की अगर आप बात करते हैं तो कंपनी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको ट्रेड करते हुए दिख जाएगी फ्रेंड्स। वहीं 1 साल की बात करें तो कंपनी देख सकते हैं यहाँ पर 2.46 रुपये, 2.58 रुपये इसका रेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पिछले 3 साल के अंदर आप अगर देखें तो 520% के इसने रिटर्न्स दे दिए। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपये लगाया तो आपका 5,20,000 रुपये यहाँ पर आपको हो जाता। अब इसका करंट प्राइस आप 1.86 रुपये देख सकते हैं। वहीं पर अगर 3 साल की बात करें तो 520% दिख रहा है, लेकिन 1 साल की अगर बात करें तो 181% का रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसमें छोटे मोटे अपर सर्किट और डाउन सर्किट आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कंपनी लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। फिर इसमें डाउन सर्किट लगा, गिरती गई, फिर इसने सपोर्ट यहाँ से ले लिया, फिर गिरी, फिर सपोर्ट ले लिया, अभी फिर से यहाँ गिर रही है। तो आपको यहाँ पर गिर रही है कंपनी, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। 1 महीने से देख सकते हैं इसमें डाउन सर्किट लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल घबराना नहीं, 5% यहाँ पर डाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते तो ही करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको कुछ डाउन सर्किट और अपर सर्किट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं यहाँ पर लगातार इसमें इजाफा देखने के लिए आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। वहीं अगर इसके कॉन्स की बात करें, प्रॉस की बात करें तो देख लीजिए, कंपनी लगातार अपना कर्जा घटा रही है और इसका लास्ट क्वार्टर जो है बहुत ही शानदार यहाँ पर गुजरा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कंपनी में दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो इसके शेयर अगर आपने ले रखे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर बेचना नहीं। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी माइनस में प्लस में आ गया। देख लीजिए, पहले इसका नेट प्रॉफिट माइनस में हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप यहाँ देख सकते हैं प्लस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर प्रॉफिट लॉस, इसका नेट प्रॉफिट आपको मैंने बता ही दिया, प्रॉफिट लॉस भी इसका देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रिजर्व देख सकते हैं कंपनी के अभी माइनस में चल रहे, क्योंकि कंपनी लगातार अपना कर्ज यहाँ पर चुका रही, तो कंपनी के रिजर्व यहाँ पर आपको माइनस में देखने के लिए मिल सकते हैं फ्रेंड्स। वहीं पर इसका कर्जे की बात करें तो लगातार इसका कर्ज देख लीजिए घटता जा रहा है। यहाँ पर बढ़ा हुआ कर्जा था, लेकिन इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी लगातार अपना कर्ज यहाँ पर घटाने की कोशिश की है। वहीं पर इसके एसेट्स की बात करें, सबसे बढ़िया बात कंपनी के एसेट्स में लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने अपने एसेट्स नहीं बेचे, लगातार बढ़ते जा रहे कंपनी कर्जे में, फिर भी उसने अपने एसेट्स यहाँ पर नहीं बेचे फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पर इसके एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कंपनी का देख लीजिए यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, लेकिन रिटेलर्स होल्डिंग यहाँ पर लगातार बनी हुई है। रिटेलर्स को बहुत विश्वास है, कोई भी अपने शेयर्स यहाँ पर बेचने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सेल करने के। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में और थंबनेल में इसीलिए आपको बोला कि दोस्तों, अगर आपने इसके शेयर्स ले रखे तो बिल्कुल बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में इसके टारगेट डेफिनेटली बहुत ऊपर जाने वाले। और एक क्वार्टर के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर, जो 1.86 रुपये इसका जो रेट आप देख रहे हैं, ये कम से कम 10 से 15 रुपये यहाँ पर हो जाने वाले। तो अगर आप यहाँ 10 हज़ार रुपये लगा देंगे तो डेफिनेटली आपके 30-40 हज़ार रुपये आसानी से एक क्वार्टर के अंदर आपको देखने के